hello students now we will start a fresh topic fresh subject of mechanical engineering the first subject is strength of materials in which we will study the we will cover the whole syllabus of strength of material for gate exam and eac exams and for all other exams now let us see the syllabus of स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट तो हम देखते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और सीक्वेंस हमारा क्या रहने वाला है सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स की अगर हम बात करें इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स में हमारा पहला चैप्टर आता है बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक सेकंड चैप्टर हम लोग देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस थर्ड चैप्टर हम लोग देखेंगे स्ट्रेसेस इन बीम्स स्ट्रेसेस इन बीम्स फोर्थ चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे टॉर्सन। टॉर्सन। फिफ्थ चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंस प्रिंसिपल स्ट्रेंस सिक्स चैप्टर हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर थ्योरीज ऑफ फेलियर सेवेंथ चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे सियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। एट चैप्टर हम लोग देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। नाइन चैप्टर इज और थिन एंड थिक प्रेशर वेजल्स प्रेशर वेज़ल्स। टेंथ चैप्टर हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ कॉलम थ्योरीज ऑफ कॉलम एलेवेंथ और लास्ट चैप्टर हम देखेंगे स्प्रिंग ियल में हम लोग टोटल इतने बेसिकी एट वन इज स्लो एंडलेक्शन नाइन्थ वन इज थिक थीन एंड थिकेसर टेंथ थ्योरीज ऑफ कॉलम अलेवेंथ स्प्रिंग आप लोग बुक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के लिए आप लोग जो बुक प्रेफर करेंगे रेफरेंस बुक की अगर बात करें तो आप लोग रेफरेंस बुक में टिमोसेंको एंड गेरे टीमोसेंको एंड गेरे दिस इज वेरी गुड बुक सेकेंड बुक आप ले सकते हो बीसी पुनामिया पुनामिया आप ये दो बुक फॉलो कर सकते हैं अपने रेफरेंस बुक के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी टिमोसेंको एंड गेरे एंड बी सी पुनामिया भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ई पॉइंट ऑफ व्यू एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट चैप्टर कवर्स ऑल द बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लाइक टाइप्स ऑफ लोड इफेक्ट्स ऑफ लोड द इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स तो टोटल चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे और बेसिक चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप बेसिक चैप्टर को पहले थ्रू आउट कवर करते हैं तो उसके बाद सारे चैप्टर्स आपको विजुअलाइज करने में बहुत ही सिंपल लगेंगे बिकॉज कि अगर आप लोड को समझ जाते हैं तो उसके बाद आप उसकी इफेक्ट्स को आसानी से डायगनाइज कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सबसे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल ना स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जानते हैं कहीं आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ते हैं कभी आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं या सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं वर्ड आता है मैकेनिक्स द वर्ड मैकेनिक्स मीन्स वॉट सबसे पहले देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है मैकेनिक्स अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो व्हाट इज मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्सेस, डेट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंड देआर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर मशीन्स एंड फ्लू द वर्ड मैकेनिक्स ज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मैकेनिक्स वर्ड को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए सिंपल हो जाता है कि मैकेनिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड लेकिन जब आप देखते हैं मैकेनिक्स को डिवाइड जब किया जाता है तो मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्टस मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकेंड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड थर्ड वन इज फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या डिफरेंस क्या डिफरेंस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हम सॉलिड की ही मैकेनिक्स की बात करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम सॉलिड की ही पढ़ाई करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स आप फ्लूड के मैकेनिक्स की बात करते हैं फ्लूड यानी गैसेज और लिक्विड्स के मैकेनिक्स की बात हम करते हैं लेकिन जब हम सॉलिड की मैकेनिक्स की बात हम करते हैं तो हम क्यों दो पार्ट में करते हैं वाई वी स्टडी इन टू पार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज डिफरेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट क्या ऐसा होता है कि दोनों डिफरेंट होते हैं बिकॉज की मैकेनिक मैकेनिक्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट फोर्सेज फोर्सेज दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंड देयर इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर मशीन्स एंड फ्लोर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट वन इज स्टेटिक्स स्टेटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स 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 इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स सॉरी काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। अब हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम मैकेनिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी कहते हैं रिजिड बॉडीज और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज डिफॉर्मेबल बॉडीज अब बात आती है व्हाट इज द रिजिड बॉडीज एंड व्हाट इज डिफॉर्मेबल बॉडीज रिजिट बॉडी क्या होती है और डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती है जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक स्टडी करते हैं तो उसमें हम रिजिट बॉडी की एनालिसिस करते हैं रिजिट बॉडी क्या द डिफॉर्मेशन विल नेग्लिजिबल एस कम्पेयर टू देर से हम उस बॉडी की स्टडी करते हैं जिसमें हम डिफॉर्मेशन को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं डिफॉर्मेशन की बात ही नहीं करते उसे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं मतलब कि केवल हम एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करते हैं आप लोग अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब आप एफबीडी बनाते हो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस देखते हो स्टेटिक के कंडीशंस देखते हो इक्रियम के कंडीशंस देखते हो तो वहां पर क्या देखते हो कहीं पर भी हम डिफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात नहीं करते हैं हम वहां पर केवल क्या बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडीज वहीं पे जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स जिस बॉडी पर अप्लाई हुआ डेट बॉडी इज डिफॉर्मेबल बॉडीज उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडीज पे जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगी जो कि स्ट्रेस है और उसके कारण उस बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हुआ उसको हम फाइंड आउट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यहां पर अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टेटिक्स एंड डायनेमिक्स स्टेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ यूक्लिबरियम कंडीशन ऑफ यूक्लिब्रियम इक्विलीब्रियम जिसमें हम क्या पढ़ते हैं समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो समीशन ऑफ हॉरिजोटल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो अगर कोई भी बॉडी आपकी स्टेटिक कंडीशन में है तो वो यूक्लिबियम में कब होगी जब समीशन उस बॉडी पर जितने वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनका चाहिए जीरो होना चाहिए होरिजोटल फोर्स का समीशन भी जीरो होना चाहिए और समीशन ऑफ मूवमेंट मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेड पॉइंट मतलब की कोई भी बॉडी या उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप मूवमेंट ले रहे हो तो उसका समीशन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए दिस इज द कंडीशन ऑफ यूक्म इन स्टेटिक कंडीशन डायनेमिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एंड काइनेटिक्स हम कैनमेटिक्स में क्या चीजेंटिक्स में ऑलवेज हम जो बात करते हैं स्पेस टाइम रिलेशनशिप यानी कि हम डिसमेंट की बात करेंगे एक्सलरेशन की, की बात करते हैं बट कैनेटिक्स में हम कभी भी कॉजेज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं कॉजेज ऑफ मोशन क्या फोर्स द एक्सटर्नल फोर्स इट मीन्स अगर आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हो तो उसमें क्या चीजें होती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है अगर कोई भी बॉडी है अगर वो स्टैटिक में है तो स्टैटिक में ही रहना चाहती है अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी तब तक जब उसका स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा मतलब कि स्टैटिक से वो मोशन में तब तक नहीं आएगी जब, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा और मोशन से वो स्टैटिक में तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो हम केवल इसमें स्पेस इस टाइम रिलेशनशिप की बात करेंगे मोशन कॉजेज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं और वही चीज अगर काइनेमेटिक्स में आते हैं तो काइनेटिक्स में

इक्वल टू द टॉर्क द समीशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क अब आते हैं पे और सोम पे ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी कहते हैं उसको हमने देखा फिर फ्लूड अगर हम बात करें तो फ्लूड मैकेनिकर्दर डिडेड इंटू टू पार्ट टू पार्ट फ्लू मैकेनिकर्दर डिड इंटू टू पार्ट फ्लू वॉट इज फ्लूड फ्लूड क्या होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड इट एग्जाम्पल गैसेस एयर वॉटर वेपर एक्सेट्रा ऑल आर फ्लूड एनीथिंग विच कैन फ्लोड तो फ्लूड में दो तरह की मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं इनकंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स और कॉम्प्रेसिबल कॉम्प्रेसिबल फ्लूड mechanics अब देखते हैं इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स क्या है इनकम्प्रेसिबल मीन्स जो फ्लूड कंप्रेस ना हो सके इट मीन्स अगर आप माक नंबर की बात करते हैं जो हम फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम देखेंगे शुरुआती दौर में कि माक नंबर की वैल्यू 0.3 से अगर कम होती है तो उस फ्लूड को हम कंसिडर करते हैं डेट फ्लूड इज आवर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड और कंप्रेसिबल फ्लूड द फ्लूड विच कैन कंप्रेस इजिली दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबल फ्लूड यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है बट According to mark number, density, 5 तक density अगर change होती है, तो उसे हम incompressible fluid के, के में रखते हैं और वैल्यू अगर 0.3 से ज्यादा है डेट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूड तो जो आप फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो आपकी होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड uh, करेंगे, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल एंड गैसेज आर कंप्रेसिबल बट कुछ कंडीशन में हम वहां पर भी देखेंगे कंप्रेसिबल तो वो डिफरेंट कंडीशन है जब हम कंप्रेसिबल फ्लूड की बात करेंगे मैकेनिक्स की बात करेंगे तो वहां पर हम डिफरेंट चीजें देखेंगे बट आपके अगर गेट के सिलेबस की बात की जाए तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स आपके गेट के सिलेबस में है जो कि आप फ्लूड मैकेनिक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटीरियल एंड फ्लूड मैकेनिक्स एवरीथिंग इज क्लियर ओके

क्या चेंजेज आ रहे हैं मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होती है और बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होती हैं तो उनके एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना है जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं स्ट्रेस इज इज इक्वल इक्वल टू टू सिग्मा पी दिस इज अंडर एक्ज लोडिंग कंडीशन फिर हम पढ़ते हैं एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर ये बेंडिंग इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन देन हम टॉर्सन इक्वेशन भी पढ़ते हैं टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई इज इक्वल टू जी टी टाइम बाई एल ये जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं डेट इज अंडर प्योर दिस इज अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन दिस इज अंडर प्योर बेंडिंग कंडीशन एंड दिस इज अंडर प्योर टॉर्सनल टॉर्सन कंडीशन प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट कंडीशन तो इन सब कंडीशन में हमारा एम क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट इज टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेसेस एंड आर डेवलप्ड अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन बाई यूजिंग एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेंड एलास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक यंग्स यंग्स मॉड्यूल क्या होता है ई e. और पॉइजन रेशियो दिस इज म्यू बाई यूजिंग दिस टू एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेंड एलास्टिक प्रॉपर्टीज एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन एवरी तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शुरू से लेके अंत तक स्ट्रेस और स्ट्रेन की एनालिसिस करते जाएंगे और स्ट्रेस और स्ट्रेन की एनालिसिस करने के लिए हमें पहले लोड को समझना जरूरी होगा अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट होता है मैकेनिकल में आपका मशीन डिजाइन अब अगर आप देखो तो डिजाइन सब्जेक्ट का एम क्या होता है डिजाइनिंग हम क्यों पढ़ते हैं बाई यूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो चीजें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे उसी का एप्लीकेशन आपको मशीन डिजाइन में करना है तो थोड़ा पोर्सन थोड़ा बहुत चीजें हम मशीन डिजाइन का भी बेसिक पोर्सन देखेंगे यहां पर अल्टीमेट एम ऑफ डिजाइन इज टू डेवलप अ ड्रॉइंग ड्राॅइंग दैट इज सेलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सेलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मटेरियल कैलकुलेशन of appropriate dimensions by using some equations, selection, manufacturing process detail, in such a way that the resulting component should perform its given functionality satisfactorily. Okay, that is without failure. मतलब कि हम कोई भी चीज मशीन डिजाइन में अगर डिजाइन करते हैं किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे तो हमें डिजाइन में क्या-क्या चीजें देखनी है सेप, मटेरियल डायमेंशंस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अगर कोई गिवन कंडीशन है कोई प्रैक्टिकल कंडीशन है लोडिंग कंडीशन है उस पर हमें किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सेप कैसा होना चाहिए इसका अप्रोप्रिएट सेप देखते हैं फिर हम सेप के बाद देखते हैं कि मटेरियल कौन सा हम यूज कर सकते हैं मटेरियल जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी हर एक मटेरियल के इलास्टिक कॉन्स्टेंट मतलब यंग्स मॉडुलस और पॉइजनियो हमें पता होगा फिर हम डायमेंशंस की बात करेंगे उसके बाद हम डायमेंशंस मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले हम क्या करेंगे सेप देखेंगे कि सेप कैसा होगा वहाँ पर जो कंपोनेंट हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं उस कंपोनेंट का सेप कैसा होना चाहिए या कैसा सेप वहां हमें लगाना है देन आफ्टर हम उसमें मटेरियल की बात करेंगे देन अब मटेरियल को भी चूज कर लिया सेप को भी चूज कर लिया तब हमें डायमेंशन को फाइंड आउट करना होता है कि हमें कौन कितना डायमेंशन का यहाँ पर हमारा सुटेबल होगा डायमेंशन कितना होगा तो वो फेल नहीं होगा गिवन कंडीशन में उसका फंक्शन जो होगा वो सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्ट्री होगा ओके okay? कोई भी कंपोनेंट फेल कब होती है कोई भी कंपोनेंट फेल कब होती है हमने डिजाइन किया और वो फेल हो रही है यानी कि वो अपने फंक्शन को सेटिस्फैक्टली परफॉर्म करने में अनेबल है इट मींस अ कंपोनेंट इज सेट टू बी फेलियर व्हेन इट इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स गिवन फंक्शनलिटी सेटिस्फैक्टोरली ओके नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन डिजाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं हम दो तरह से डिजाइन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन क्राइटेरियन जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट देखोगे फिर मशीन डिजाइन सब्जेक्ट देखते हो तो उसमें आपको डिजाइन करना है तो डिजाइन किसी भी कंपोनेंट को अगर हमें डिजाइन करना है तो दो क्राइटेरियन पे हम क्या करते हैं उसे डिजाइन करते हैं देखते हैं डिजाइन Design criterion There are two design criterion. Number first is strength criterion, strength criterion, second one is rigidity criterion, rigidity. क्राइटेरियन अब बात आती है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरियन की बात करते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरियन की बात करते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरियन क्या होती है किसके बेस्ड ऑन होता है बेस्ड अपन बेस्ड अपन परमिसिबल स्ट्रेसेस परमिसिबल Stress, or this is also called allowable stress, or working, working stress, or safe stress, safe stress. ये जो परमिसिबल स्ट्रेस या अलावेबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस या सेफ स्ट्रेस की जो हम बात करते हैं ये किस चीज से हम फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं दिस इज ऑप्टेड बाई दिस इज ऑप्टेड बाई ऑप्टेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी आगे देखेंगे क्या होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले हम स्ट्रेंथ क्राइटेरियन और रेजिडिटी क्राइटेरियन की बात कर लेते हैं देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात और हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी कंपोनेंट को हम कैसे डिजाइन करेंगे बाई यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन और बाई यूजिंग रेजिडिटी क्राइटेरियन सेकेंड वन इज बी इज वॉट अ रिजिडिटी क्राइटेरियन अ रिजिडिटी क्राइटेरियन दिस इज द बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक पहले डिजाइन की बातें कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप क्या करते हैं कि कुछ सेफ डिज़ाइन की वहां पे बातें करेंगे हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर गेट में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरियन डिजाइन क्राइटेरियन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो पहले हमें डिजाइन क्राइटेरियन को समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन किस बेस पे होता है और रिजिडिटी क्राइटेरियन किस बेस पे होती है तो रिजिडिटी क्राइटेरियन जो होती है दिस इज बेस्ड अपॉन based upon permissible permissible deformation deformation obtained from obtained from the standard स्टैंड यूज इन दिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ डेट कॉम्पोनेंट सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो स्ट्रेंथ क्राइटेरियन में हम क्या करते हैं कोई भी कॉम्पोनेंट हमें डिजाइन करना है बाय यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जहां पर हम जिस कंपोनेंट को डिजाइन करने वाले हैं वो जहां पर हम उसे इंस्टॉल करेंगे उस जगह पे लोडिंग कंडीशन क्या है पहले हम लोडिंग कंडीशन को एनालाइज करेंगे देन आफ्टर लोडिंग कंडीशन में वहां पर उस लोड के कारण कितना स्ट्रेस उस कंपोनेंट में जनरेट हो रहा है देन आफ्टर हम देखेंगे कि उस मटेरियल का कितना स्ट्रेस है मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है मतलब फेलियर स्ट्रेस अगर हम बात करें तो एल्ड स्ट्रेस की भी हम बात कर सकते हैं और अल्टीमेट स्ट्रेस की भी बात कर सकते हैं फेलियर स्ट्रेस आर डिपेंड अपन देअर डिपेंड अपन द कंडीशंस अगर जहां पर डिफॉर्मेशन अलाउेबल है एक लिमिट तक डिफॉर्मेशन अलावेबल है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस को अपना फेलियर स्ट्रेस मानते हैं देन आफ्टर अगर हमारा कहीं पर डिफॉर्मेशन अलावेबल नहीं है मतलब कि थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मेशन होता है तो वो फेलियर माना जाता है तो उस कंडीशन में हम इल्ड स्ट्रेस को अपना फेलियर स्ट्रेस मानते हैं और कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो यहां पर एक वर्ड आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है डेट इज परमिशिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू द फेलियर स्ट्रेस अपन the factor of safety then the factor of safety is what the failure stress upon permissible stress wo aage abhi hum log analyze karenge rigidity criterion mein kya karte hain Strength criterion clear है कि given condition में कितना stress generate हो रहा है और material का कितना capacity है उसके बेस्ड ऑन हम डिजाइन करते हैं देन आफ्टर में देखते हैं कि गिवन लोडिंग कंडीशन में गिवन प्रैक्टिकल कंडीशन में कितना डिफॉर्मेशन अलावेबल है मतलब कि इतना डिफॉर्मेशन अलावेबल है वहां पर मतलब कि कोई भी कंपोनेंट है जो कि इतने डिफॉर्मेशन तक वो फेल नहीं माना जाएगा तो उस कंडीशन में हम उस डिफॉर्मेशन के बेस्ड ऑन हम अपना डिजाइन करते हैं मतलब कि परमिसिबल डिफॉर्मेशन कितना है और वहां पर गिवन कंडीशन में डिफॉर्मेशन इंड्यूस कितना हो रहा है इंड्यूस डिफॉर्मेशन कितने हैं तो उसके ऑन इसमें हम करते हैं अभी सारी चीजें हम लोग देखेंगे ओके